वेलकम माय फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के क्रम में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुमत के प्रकार। ये जो बहुमत के बारे में बात करेंगे, मेजोरिटी के बारे में, इस मेजोरिटी को आप लोग संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मत जोड़िएगा। ये बहुमत अलग हो गया, मेजोरिटी अलग बात है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन अलग है। हालांकि देखने में कुछ चीज़ें समान लगती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों के एग्जाम्पल एक दूसरे में सूट नहीं करता है। हाँ, अमेंडमेंट के कुछ इसमें एग्जाम्पल मेजोरिटी वाले में सेट कर जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि हम लोग आज मेजोरिटी के बारे में बात करेंगे और इस मेजोरिटी को संवैधानिक संशोधन से तुलना नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मेजोरिटी कितने प्रकार के होते हैं। मेजोरिटी माने बहुमत, बहुमत जो है चार प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, महाभियोग या समावेशन। साधारण बहुमत का अंग्रेजी में सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, पूर्ण बहुमत का एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, विशेष बहुमत का स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, महाभियोग और समावेशन। ये महाभियोग को इम्पीचमेंट बोलते हैं और समावेशन को एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, प्रक्रिया सेम है, लेकिन नाम अलग अलग है। क्यों नाम अलग अलग है, कैसे है, अभी हम समझेंगे। महाभियोग और समावेशन को, इम्पीचमेंट और एड्रेस को। तो पहला हम लोग बात करते हैं साधारण बहुमत के बारे में। साधारण बहुमत है क्या? तो साधारण बहुमत जो है उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक को साधारण बहुमत कहते हैं। उपस्थित किसी सदन में उपस्थित सदस्य की कुल सदस्य संख्या नहीं, जो सदन में सदस्य उपस्थित है उसका 50% से अधिक, 50% प्लस 1 अगर बहुमत होता है तो लोग साधारण बहुमत कह देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया समझाने के लिए, मान लेते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या 100 है, उपस्थित कितने हैं 70 हैं और अनुपस्थित कितने हैं 30 हैं। तो हमें इसका बहुमत चाहिए, क्योंकि उपस्थिति पर पूछा है, उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस 1। तो उपस्थित कितने हैं 70 हैं, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा 35, तो 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36। तो 36 अगर सदस्य सदन के 36 सदस्य किसी विधेयक या किसी मोशन पर अगर अपना मत रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप समर्थन करते हैं तो वह आ जाता है किसमें, साधारण बहुमत में आता है। साधारण बहुमत का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत ही गहराई लिए हुए हैं। इन बातों को समझ अगर हमारे मेमोराइज करके रखते हैं, समझते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और पॉलिटिक्स समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है साधारण बहुमत का, नॉर्मल बिल में, साधारण बिल में, ठीक है। साधारण बिल में हम लोगों ने साधारण बिल, चूंकि यही बिल एक्ट बनते हैं साधारण बिल में, जैसे कि हम लोग देखा था आर्टिकल 2 और 3, नए राज्यों का प्रवेश, वर्तमान राज्यों के सीमा, नामों में परिवर्तन आदि, इस तरह के बिल क्या होते हैं साधारण बिल होते हैं। तो साधारण बिल में कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के मोशन के संदर्भ में, एडजर्नमेंट मोशन माने स्थगन प्रस्ताव, इस सब पे भी क्या होता है, कब लाया जाता है, जबकि साधारण बहुमत से होता है। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स, जब प्रेसिडेंट के भाषण के बाद होता है, धन्यवाद प्रस्ताव इसे बोलते हैं। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की वित्तीय संकट, वित्तीय इमरजेंसी लागू करने के लिए भी साधारण बहुमत से किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल कहीं अगर लगाना है तब भी वो क्या होता है, साधारण बहुमत से होता है। इमरजेंसी को वापस लेना, डिसअप्रूवल ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 के भी कैसे होता है, साधारण बहुमत से होता है। इमरजेंसी को वापस लेते हैं हम लोग। रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, बिल बाय स्टेट असेंबली, जो रेटिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 368 के तहत, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, विशेष बहुमत से होता है, का दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। तो विशेष बहुमत तो होता है सदन, दोनों सदनों, लोकसभा राज्य सभा के द्वारा, लेकिन जब राज्यों के द्वारा जो समर्थन प्राप्त जो रेटिफिकेशन जरूरत होती है वो साधारण बहुमत से ही होता है, और वह साधारण बहुमत यही है, इसकी चर्चा हम लोग पहले के सेशन में कर चुके हैं। और दूसरा है अप्रूवल ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, लोकसभा से लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको अपने पद से हटाने के लिए भी किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है, साधारण बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे इस प्रक्रिया को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि साधारण बहुमत क्या है, साधारण बहुमत किसे कहते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से, साधारण बहुमत द्वारा संविधान में कौन कौन से
कार्य किए जाते हैं या इनको इनका उपयोग संविधान में कहां कहां पर होता है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण बहुमत के बारे में। दूसरा पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी है क्या? बस थोड़ा सा परिवर्तन है। साधारण बहुमत में था कि उपस्थित सदस्यों पर था, लेकिन जो पूर्ण बहुमत है वो कुल सदस्य संख्या पर, जो सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत पर, मतलब कि 50% प्लस वन पर, जो बहुमत होता है 50% प्लस वन कुल सदस्य संख्या का, उसको हम लोग पूर्ण बहुमत बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्यों कुल सदस्य संख्या लेते हैं? क्योंकि इसमें उपस्थिति को मैंडेटरी कर दिया जाता है, अटेंडेंस मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% प्लस वन का अनुसमर्थन से प्राप्त बहुमत वो क्या हो जाता है? पूर्ण बहुमत हो जाता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाता है 50% प्लस वन। यहाँ उन्होंने क्या है कि उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाती है। जो पोलिटिकल पार्टी है, ऐसा कुछ मुद्दे होते हैं कि पोलिटिकल पार्टी के अपने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन सबके लिए वहाँ उपस्थित होना, जो भी सदन के राज्यसभा लोकसभा किसी का वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया जाता है। तो क्या है इसका, अगर मान लेते हैं कि कुल सदस्य संख्या फिर ले लेते हैं 100 है, तो उपस्थित कितने हैं? 100 है, अनुपस्थित कितने हो जाएंगे? 0। क्यों? क्योंकि उपस्थिति मैंडेटरी है, तो अनुपस्थिति तो रहेगी नहीं, 0 रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर इसका अगर हम ले लें 50% तो 50 होगा, 50% कितना? 50 प्लस 1 51 सदस्यों का अगर समर्थन प्राप्त होता है किसी भी मोशन पर, ठीक है, किसी भी मोशन पर, प्रस्ताव पर अगर 51 मत प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं पूर्ण बहुमत। अब कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है पूर्ण बहुमत का भारतीय संविधान में, कहाँ कहाँ प्रयोग? पहला है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, कहाँ के? राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार से स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों को हटाने के लिए हमें, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत के बारे में अंतर, अनुप्रयोग कहाँ, प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और विधि किस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा के बारे में। तीसरा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी क्या होता है संवैधानिक संदर्भ में उन्होंने देखा था इसको। स्पेशल मेजोरिटी वो होता है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब ये है क्या, कह रहा है कि सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत, तो सदन का कुल सदस्य संख्या यहाँ पर कितना है? 100 है, इसका बहुमत कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, तो ये हम लोग देख ले बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3। मतलब कि सदन में इतने लोग जरूर उपस्थित हों कि जब वो वोटिंग करे तो उनका वोट, कुल वोट का जो संख्या है, वोटिंग जो नंबर ऑफ वोटिंग है वो 51 पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर 100 में से 77 लोग अगर प्रेजेंट होते हैं और 77 के 77 जो है किसी मोशन या किसी बिल के पक्ष में अगर वोटिंग टोटल कर देते हैं, 77% सब सब 77 लोग कर देते हैं, ठीक है, इतना अगर एब्सेंट है तो पूरा अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है? ये 51 हो जाता है। कितना हो जाता है? 51। और जब भी 76 होगा ये 51 नहीं पूरेगा, 51 से कम हो जाता है। तो जब भी 77 सदस्य अगर उपस्थित होते हैं, सारे के सारे अगर वोटिंग दे देते हैं, वोटिंग कर देते हैं अपना, तो 51 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो वोट दे तो वो सदन के कुल बहुमत के बराबर होना चाहिए, तो बहुमत कितना? 51। ठीक है, ये हो सकता है कि 100 भी अगर मान लेते हैं कि एब्सेंट 0, अगर 0 भी अगर यहाँ पे होते हैं तो 0 में मान लें कि 23 नहीं देते हैं, 77 दें तो 77 कम से कम देंगे इसमें से। ठीक है, तब जा करके 51 होगा। बात समझ गए, 100 उपस्थित हो सकते हैं लेकिन 77 लोगों का चाहिए तभी 51 होगा, नहीं तो हो सकता है कि 77 के 77 ही प्रेजेंट हो, बाकी लोग वाकट कर जाए, 23 लोग वाकट कर जाए, तो सब 77 दे दिए पक्ष में अपना, वो बिल या मोशन क्या हो गया? पास हो गया। मेरा लगता आप समझ गया होंगे, दोनों रूप में मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब
कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है विशेष बहुमत का, तो राज्य विधान परिषद का निर्माण और विलोपन में, एवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन एवोल्यूशन ऑफ राज्य विधान परिषद। दूसरा क्या है, संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद 364 में, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग को पद से हटाना, वो भी विशेष बहुमत से किया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाना, वो भी किसके द्वारा, इसके द्वारा होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी अगर की जाती है, अब घोषणा तो हो जाती है लेकिन अगर सदन में जब जाता है उसके रेटिफिकेशन की जब बात होती है तो किसके द्वारा होता है, वो अनुच्छेद 352 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये है विशेष बहुमत का अनुप्रयोग संविधान में। इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा। वैसे तो लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता भी है और ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो आइए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा है महाभियोग, जिसे विशेष संदर्भ में समादेशन भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट और विशेष संदर्भ में एड्रेस भी इसको कहते हैं। ये स्पेशल मेजोरिटी से थोड़ा सा हट करके, स्पेशल मेजोरिटी में क्या हम लोग देखे थे अभी कि 2/3 वोटिंग चाहिए, लेकिन वो वोटिंग इतनी होनी चाहिए कि वो 50%+1 के स्तर पर पहुंच जाए। ठीक है, वो कुल सदस्य संख्या के बारे में नहीं था। ठीक है, वो जो अगर कुल सदस्य इतना वोटिंग हमको होना चाहिए कि 50%+1 हो। यहाँ पर क्या है महाभियोग वाले में कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत। अगर हमने मान लेते हैं कि 100 कुल सदस्य संख्या है, इसका 2/3 अगर हम करते हैं तो 2/3 66.66 है, मतलब कि 67, मतलब हमको 67 वोट मिलना चाहिए। चाहे सदन में कितने भी सदस्य उपस्थित हों लेकिन हमें 67 वोट हमको चाहिए, तभी जा करके वो प्रस्ताव या विधेयक पास हो सकता है। स्वाभाविक है कि 67 से अगर कम रहेंगे तो पास नहीं हो सकता, या तो 67 रहे या 67 से अधिक हो। ठीक है, लेकिन हमें 67 वोट हमको चाहिए 100 में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का हम लोग महाभियोग या समादेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको महाभियोग कब कहेंगे या समादेशन कब कहेंगे, है ये कि जब इसी प्रक्रिया का प्रयोग राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए किया जाता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं इम्पीचमेंट। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट अब राष्ट्र जब सुप्रीम कोर्ट के, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जब इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं एड्रेस समादेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, प्रक्रिया सेम है लेकिन पद नाम के साथ अलग अलग प्रयोग किया जाता है। मतलब पद नाम के, पद नाम पर जब प्रयोग किया जाता है उनको पदों से हटाने के लिए व्यक्ति, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, महाभियोग। और एड्रेस की प्रक्रिया सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है स्पेशल में और इम्पीचमेंट में, वही कुल संख्या के संदर्भ में। तो ये था हमारा बहुमत, बहुमत के प्रकार। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में और उसको आसान बनाने में बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम यह क्वेश्चन दिया हुआ जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, लेक्चर 3 का जो था, जो पिछला सेशन था, उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। लेक्चर 3 के क्वेश्चन 1 का आंसर होगा सी और दूसरे का होगा ए। क्यों होगा वो चर्चा है, आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो को फिर से, आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, सी और ए। और क्वेश्चन है यहाँ पर 1 और 2। पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चेयरमैन को किस प्रकार पद से हटाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। और दूसरा है राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव वोट ऑफ थैंक्स को किस बहुमत से पारित किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करें, मनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।